मुझे अपने मॉर्निंग का सीन, जब धूप होता अभी चले जाना लाइक लग रहा है शायद यार, जब वर्कर वाला हेलीकॉप्टर होगा। बाकी भीड़ देख पा रहे हो, खतरनाक चल रहा है भीड़। और बहुत ही अच्छा मौसम किया आज, पूरा धूप ही धूप है आज। अब आगे लोग कब से बोल रहा हूँ चल ही नहीं रहे साले लोग। तो भाई ये असली खुशी, यहाँ पे सबको इतना महंगा है, सबको लूटे पड़े हैं और ये यहाँ पे भंडारा करवा रहे हैं। धन्य है वो इंसान जो यहाँ पे भंडारा करवा रहे हैं। बाकी देख पा रहे होंगे अच्छा क्वांटिटी पे मिला है सबको। तो चलिए खाते हैं, उसके बाद चलते हैं ब्रश करने, क्योंकि ब्रश तो किए ही नहीं हम लोग। बंदा कंबल के साथ सोया हुआ, पता नहीं चल रहा है। बाहर ले गया गाइस, हाल बुरा हाल हो गया। वी नहीं, आई कैन डू इट बोलो पहले। नहीं तो आप ही यहाँ पे कमजोर हो यार। चलो हम लोग, टेंट चेंज हो गया शायद, वहाँ प्रोग्राम होने वाला है, इस वजह से सभी टेंट को हटाया गया है। और हम लोग भी अभी शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पे, अपना टेंट यहाँ उठा के ले आए हैं बिना खोले वाले। और अभी लोग जाने वाले हैं, जब जाते हैं उसके तुरंत यहाँ पे हम सेट करेंगे। तो चलिए फिर रुकते हैं। तो हम लोग वहाँ से टेंट हटा दिए, अब टेंट लगाए हैं यहाँ पे। बोला गया कि वहाँ कुछ प्रोग्राम होना है, इस वजह से टेंट हटाना पड़ा। और जा रहे हैं हम लोग पूजा पाठ करने के लिए, व्यवस्था इसने पहले तो मोबाइल चार्ज करना है, चार्ज नहीं है फ़ोन पे, बहुत ही कम चार्ज है। और यहाँ चार्ज करने के भी पैसे लगते हैं, सोच समझ के फ़ोन यूज़ करना पड़ता है। जा रहे हैं आज, आज लास्ट टाइम चार्जिंग है, उसके बाद कल सुबह हो सके तो यहाँ से हम लोग को निकलना है। हाँ भीड़ वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा है। चलिए आपको नीचे दिखाता हूँ, अभी टाइम अभी 10 बज रहे हैं। इधर चलते हैं इधर। अरे मौसम बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, इस वजह से हम लोग वो नहीं किए हैं, बोले तो जैकेट वगैरह नहीं उतारे हैं, क्योंकि मौसम में कोई भरोसा नहीं है ना कब चेंज हो जाए। और आईफोन तो है नहीं, वीडियो स्टेबल बनेगा नहीं। और भीड़ देख रहे हैं, खतरनाक ज़्यादा है। और ये देख पा रहे हैं मंदिर का पीछे साइड से, यहाँ तो गढ़ा है और वो लाइन लगे हुए हैं, भक्तों की लाइन। चलिए आपको दिखाता हूँ वहाँ से स्टार्टिंग से। तो ये देखिए यहाँ पास से लाइन स्टार्ट हुआ अपना, और मेरे फ़ोन पे 5% चार्ज बचा है, फिर से अब चार्जर खोजना है। ये सब शॉप्स जहाँ अपने को प्रसाद वगैरह सब कुछ मिलेगा, और लाइन तो इतना लंबा है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता, बस दिखा सकता हूँ इतना लंबा लाइन यार, पता नहीं अपना बारी कब आएगा। बस ये लाइन बहुत जल्दी जल्दी पार होता है। बाकी देख पा रहे होंगे भीड़ को आप लोग, देख पा रहे होंगे वहाँ से बीच में वीडियो को पॉज कर दिया था, और लाइन क्योंकि चार्ज नहीं है ना, तो देख ही पा रहे होंगे खतरनाक लंबा लाइन है। जो कि बहुत दूर तक है, अब चलो अपना टाइम आ जाएगा भाई, हाँ ज्वाइन करने चलते हैं, बहुत फास्ट लाइन बढ़ रहा है। ये पूरा लाइन ही लाइन लाइन ही लाइन, मुझे तो लगा यार बस सामने से डबल लाइन हो जाएगा तो जगह हो जाएगा। अरे कहाँ पानी, चलो बाकी सर से बात कर जाता हूँ। तो फाइनली हम लोग यहाँ से प्रसाद ले लिए, जो कि ये है, जो कि हम लोग को एक प्रसाद 350 रुपये का पड़ा है, टोटल हम 1400 का प्रसाद ले चुके हैं। और
जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि अपन जो कंबल कल रेंट पे लिए थे वो कंबल का बुलावा आ गया है, तो वही देना है उनको। तो चलिए निकलते हैं, पहले पहुँचते हैं। आज अपने ये पाँच पद ही हैं, आप हम लोग आ चुके हैं मंदिर में पूजा करने के लिए, और पहुँचे तो नहीं अभी क्योंकि लाइन लगाना है अभी, और बहुत ही दूर है, लेकिन आज ठान लिए करना था तो करना था, और इसी उम्मीद से आज निकल पड़े हैं हम लोग। बाकी दो पीछे हैं और एक मेरे से आगे, और चले पड़े हैं। जल्द ही पूजा पाठ करके निकलेंगे। फर्स्ट तो ये है कि मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे वो है पूजा टाइम में फोन अलाउड नहीं है यहाँ, इस वजह से नहीं हो पाएगा। बाकी जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक आपको दिखाता हूँ, वीडियो पे बने रहें। हो गया, यहाँ से पूजा पाठ करके निकल गए, और निकलने का द्वार वहाँ था, बट मैं वहाँ जूता पहनने गया था, और अब बाकी लोग 15 लोग निकल रहे हैं यहाँ से, जो कि हम लोग जा रहे हैं अब भीमसिला साइड, क्योंकि मेरे जितने दोस्त हैं सब वहीं जाके बैठे हुए हैं और मैं सबसे पीछे था, और रास्ता तो यही है सर। और ये मैं पहुंच गया अभी भीमसिला, ये जो पहाड़ में, और ये अपना केदारनाथ का पहाड़, और इधर यही है भीमसिला। हेलो हेलो, अरे उस प्रोग्राम होने वाला है, सभी से तैयारी चल रहे हैं। और वो सारे गए कहाँ भाई, और ये अपना केदारनाथ का मेन घंटी, जो कि मैं बजाया नहीं हूँ, लेकिन बजाया भी ना जाऊँगा भी नहीं, तो चलिए चलते हैं आगे। क्या हो रहा है भाई यहाँ पे? अरे भाई ये तो ठंडा नहीं लग रहा है, बाल खड़े हैं। और यहाँ से केदारनाथ की मेन द्वार, Thank you.
तो हम लोग का फाइनली पूरा हो चुका है, पूजा पाठ वगैरह जितने भी आरती दर्शन वगैरह सब हो चुके हैं। ये अपना हिमालय पर्वत जो कि पता नहीं क्या नाम से बोलते हैं, नाम ही तो भूल गया, बट जो भी है देख पा रहे होंगे आप, आधा तो बादल से ढका हुआ है। पहाड़ सब इधर और बीच पे अपना केदार बाबा जी का मंदिर। और यार हम लोग जब भी निकलते हैं फोटो खिंचाने, हम लोग ग्रुप से दो या तीन लोग गायब हो जाते हैं। तो चलिए कंप्लीट हो गया, आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। जो लोग वीडियो लाइक नहीं किया है लाइक कर देना यार, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया कर देना जो न्यू देख रहे होंगे। बाकी चलिए चलते हैं, भोले भक्तों की लाइन जो कि ग्रुप से लेके आए हैं, बैंड वगैरह लेके आए हैं और बहुत ही ज़्यादा है। और ये अपना मंदिर का प्रसाद जो कि यहाँ पर रखे हैं जो कि फोटो खिंचाने के लिए। और हम लोग के फाइनली पूजा पाठ हो ही गया, चलिए चलो चलते हैं यहाँ से। और वो पहाड़ अभी दिख रहा है पूरा इंजोला। यहाँ पे भोलेनाथ की कृपा से धूप निकल आया है जो कि बहुत ही मस्त लग रहा है, और इससे अपने वीडियो पे चार चांद लग गए क्योंकि वीडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और सामने देख पा रहे होंगे पहाड़ जो कि बहुत ही हाइटेड पे भाई और बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और अब तो वीडियो भाई इतना बेहतरीन आने वाला है क्या ही बताऊँ, देख पा रहे होंगे फोटो। और बाकी मेरे भी पास में लोग भी भाग गए कहाँ कहाँ, दो तीन लोग तो पता नहीं गए कहाँ साइड और पता नहीं चल रहा है यार कहाँ गए। चलिए देखता हूँ लोग कहाँ गए हैं, सब फोटो खिंचाने में बैठ गए क्योंकि अब धूप निकल आई है। हम लोग लास्ट टाइम हम लोग यहाँ से अब जा रहे हैं और नेक्स्ट टाइम फिर से यहाँ पहुँचेंगे और बाबा का बुलावा आया तो ज़रूर आएंगे। देखते हैं कब हमें बाबा बुलाते हैं, और ना भी बुलाएं तो जान तो रहे हैं हम जिस भी किस्म के हैं, बिना बुलाए पहुंच जाएंगे। बाकी देखते हैं, लास्ट है, जाने का मन नहीं कर रहा है बट जाना तो पड़ेगा। और ये अपने मित्रों, और क्या ही बोलो यार, लग नहीं रहा कि ये लास्ट है। इसके बाद तो कोई होने वाला नहीं, एकदम जा रहे हैं यहाँ से। आज यहाँ से देखते हैं जाना कहाँ है, बहुत ज़्यादा हो गया है। भक्त भाई बैठे हुए हैं हमेशा भक्त की तरह, और मंदिर तो छिप गया है, बस नज़ारे रह गए अब। बाकी हम लोग टेंट है अब जा रहे हैं निकालने और चलते हैं, आज यहाँ से हम लोग का विदाई है। फाइनली हम लोग अब केदारनाथ से वापस जा रहे हैं, जो कि जाने का मन नहीं है लेकिन जाना तो पड़ेगा क्योंकि ये बजट तो है नहीं भाई इतना कि हम लोग यहाँ ज़्यादा दिन रुक सकें, और महंगाई भी बहुत ही ज़्यादा है। बट इतना कोशिश था किए रुकने का और हर जगह कैप्चर किए, अब निकल रहे हैं यहाँ से। अब तो यहाँ आओ तो भाई बजट बढ़ा के ही आना। और ये यहाँ का हेलीपैड जहाँ पे हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, अभी उतरे नहीं है कोई, दो है बट तीन चार उतर जाते हैं यहाँ से।
ये सब जो गाड़ी दिख रहा है सब हेलीकॉप्टर से लाया गया है। बस अपने को भी कोई ऐसी ढो के ले जाता। और यहाँ हर चीज़ का रेट आसमान छू रहा है, बट कोई नया महंगाई होना चाहिए। इतना ऊपर लेके आते हैं तो भाई जाहिर सी बात है कोई भी लेगा ही महंगा। तो चलिए चलते हैं, रास्ते में वीडियो बनाने जाता हूँ जब तक मेरे फ़ोन पे बैटरी टिक जाए। उम्मीद करता हूँ ख़त्म ना हो, 17% बचा हुआ है।